नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वित्तीय घोटाले के बारे में जिसने 1980 ईस्वी में भारत को हिला के रख दिया, जिसका नाम है बोफोर्स स्कैम। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पुरुषोत्तम कुमार इस सफर सच के प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोफोर्स स्कैम के बारे में कुछ डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए। बोफोर्स स्कैम 1980 ईस्वी के दौरान हुआ एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यानी घोटाला था। इस घोटाले का मुद्दा था स्वेडिश डिफेंस कंपनी बोफोर्स का भारत के साथ आर्म्स डील। बोफोर्स को भारतीय सरकार ने 155 mm हॉविट्जर्स गन्स सप्लाई करने के लिए चुना था, लेकिन इस डील में कुछ अजीब बातें सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोफोर्स ने हाई लेवल इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब्स दिए थे। ये ब्राइब्स डील की कॉस्ट को इन्फ्लेट करने और फेवरेबल टर्म्स पाने के लिए दिए गए थे। इस स्कैंडल ने राजनीति को हिला दिया। दीन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के नाम इस घोटाले से जुड़ गए। ओपोजिशन पार्टीज और मीडिया ने इस घोटाले की चर्चा शुरू की और इसने पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल दिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद यह पता चला कि बोफोर्स ने 64 करोड़ रुपए की ब्राइब्स दी थी। इसके बावजूद बोफोर्स को गिल्टी साबित नहीं किया गया और न ही किसी भी इंडियन ऑफिशियल्स को इस घोटाले के लिए डायरेक्टली सजा दी गई। बोफोर्स स्कैम के बाद भारत में डिफेंस प्रोक्योरमेंट और फाइनेंशियल डील्स को लेकर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर फोकस बढ़ा। यह घोटाला एक रिमाइंडर बना कि गवर्नेंस और प्रोक्योरमेंट में इंटीग्रिटी की कितनी जरूरी है। तो दोस्तों, यह था बोफोर्स स्कैम का एक छोटा सा ओवरव्यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है या कुछ भी इससे जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।